संसद में आज भी मणिपुर के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद विरोध जताने के लिए काले कपड़ों में पहुंचेंगे संसद। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर में आज विपक्षी सांसदों की बैठक, सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर होगी चर्चा। कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। सदन में आज सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया। आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। आज और कल सभी को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया। संसद में अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले पीएम मोदी का बड़ा दावा, लगातार तीसरे टर्म में जीतूंगा चुनाव। पीएम मोदी ने कहा, देश में नकारात्मक सोच वालों की कमी नहीं, मुझे रोकने की तमाम कोशिश की गई। प्रधानमंत्री मोदी का दावा, थर्ड टर्म मिलने पर भारत को टॉप 3 इकोनॉमी बनाऊंगा। पीएम मोदी ने भारत मंडपम का किया उद्घाटन, बोले भारत के बढ़ते कदम इसी मंडपम से दुनिया देखेगी। पीएम मोदी ने विरोधियों को टोली कहकर पुकारा, बोले किसी दिन वो टोली यहाँ लेक्चर करेगी। मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव लाने को लोकसभा में मंजूरी, स्पीकर बोले चर्चा के बाद तय होगी बहस की तारीख। मोदी सरकार को विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से कोई खतरा नहीं, मौजूदा लोकसभा में बीजेपी के पास 301 सांसद हैं। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बोले प्रहलाद जोशी, पीएम मोदी के ऊपर जनता का विश्वास, पहले भी अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है विपक्ष। अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस ने आज ही चर्चा करवाने की मांग की। मनीष तिवारी बोले पीएम मणिपुर पर विस्तृत जवाब दें। सवाल संख्या बल का नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा का है, बीजेपी के बयान पर मनीष तिवारी का पलटवार। सरकार के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव पर बोले हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कहा विपक्ष हताश है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का खड़गे पर पलटवार, बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर चर्चा क्यों नहीं चाहता विपक्ष। अगर जनता विपक्ष यानी इंडिया के साथ है तो बीजेपी को क्या दिक्कत है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का तंज। मणिपुर हिंसा पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने राज्य सरकार को घेरा, कहा मणिपुर में महिलाओं के साथ हो रहा अमानवीय व्यवहार। टी एस सिंहदेव ने कहा विपक्ष चाहता है प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें, नहीं तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दें, फिर वो जवाब दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नाबालिग से हुए दुष्कर्म पर बोले पूर्व सीएम रमन सिंह, भूपेश राज में छोटी बेटियां भी सुरक्षित नहीं। रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर सवाल उठाया, कहा इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अब तक अपराधी पकड़े नहीं गए, बच्ची को वक्त पर इलाज तक नहीं मिला। सुकमा मामले पर बीजेपी ने बनाया 5 सदस्यीय जांच दल, पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेगा दल, पूर्व सीएम रमन सिंह ने दी जानकारी। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, सदन में मेरा बंद कर दिया गया माइक, मेरा अपमान किया गया। अमित शाह की चिट्ठी का खड़गे ने दिया जवाब, बोले पीएम ने हमें आतंकियों से जोड़ा, गृह मंत्री हमसे सहयोग मांग रहे हैं। इंडिया की तुलना आतंकियों से करने पर भड़के सांसद संजय सिंह, पीएम से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तकरार जारी, राघव चड्ढा की तस्वीर शेयर कर लिखा आज देख लिया कौए ने झूठे को काटा। बीजेपी के ट्वीट पर राघव चड्ढा का पलटवार, कहा ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना गुन का और कौवा मोती खाएगा। आने वाला समय इंडिया का ही होगा, कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। अविश्वास प्रस्ताव से पहले आएगा दिल्ली से जुड़ा हुआ बिल, सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह संसद में बिल पेश करेंगे। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय राजस्थान और गुजरात दौरा, पीएम सुबह 11:15 सीकर में कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी आज 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र के देश को सौंपेंगे, इन केंद्रों पर किसानों को हर जरूरत का समाधान दिया जाएगा। पीएम मोदी आज यूरिया गोल्ड भी करेंगे लॉन्च, इस नई वैरायटी के यूरिया पर सल्फर की परत चढ़ी होगी। राजस्थान के बाद पीएम मोदी जाएंगे गुजरात, राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 234 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, 1,405 करोड़ की लागत से 23,000 वर्ग मीटर में तैयार हुआ है एयरपोर्ट। पीएम नर्मदा का पानी सौराष्ट्र तक पहुंचाने वाली परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे, करीब 393 करोड़ की लागत से तैयार इस प्रोजेक्ट से 1,00,000 लोगों को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी राजकोट के बाद गांधीनगर में राज्य के मंत्रियों से करेंगे बैठक, राज्य में हो रहे कामों की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 20 दिनों का दूसरी बार भोपाल दौरा, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। गृह मंत्री के साथ बैठक में सीएम शिवराज के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जैसे सीनियर नेता भी मौजूद। अमित शाह ने आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की, जीत का मंत्र दिया। एमपी के किसानों को रिझाने में जुटी कांग्रेस, कमलनाथ ने 5 हॉर्स पावर तक के पंपों का बिजली बिल माफ किया। एमपी कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ का बीजेपी पर अटैक, कहा किसानों की आय कम हो रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। कमलनाथ के ऐलान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार, कहा घोषणा करने में कांग्रेस नंबर वन। डीएम के नेता टीकेएस एलंगोवन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है बीजेपी। डीएमके नेता ने कहा अन्नामलाई राज्य में सबसे ज्यादा शांति, बीजेपी में कोई नैतिकता नहीं। मणिपुर के मुद्दे पर बंगाल विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाएगी टीएमसी, 31 जुलाई को होगी चर्चा। बंगाल विधानसभा में हंगामा, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर बीजेपी ने सदन स्थगन प्रस्ताव किया पेश।
बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल बोनी, मालदा में दो आदिवासी महिलाओं को पीटा गया, सदन में चर्चा की इजाजत तक नहीं मिली। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार पर बरसे रविशंकर प्रसाद, कहा बंगाल में लोकतंत्र शर्मसार, पंचायत चुनाव में हिंसा की हो सीबीआई जांच। पंचायत चुनाव के दौरान हुए बम धमाकों की एनआईए जांच हो, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मांग की। यूपी के राज्यपाल ने बुलाई 18वीं विधानसभा की बैठक, 7 अगस्त को सुबह 11 बजे बुलाई बैठक। 20 अगस्त को तमिलनाडु के मदुरई में एआईएडीएमके का राज्य सम्मेलन, एडप्पादी पलानीस्वामी के महासचिव बनने के बाद पहली कॉन्फ्रेंस है। एआईएडीएमके नेता और कामराज का बयान, ये सम्मेलन एआईएडीएमके के लिए महत्वपूर्ण, बैठक में 20 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता होंगे शामिल। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर आ जाएगा फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सर्वे पर रोक एक दिन के लिए और बढ़ा दी थी। एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, सर्वे के दौरान मस्जिद के ढांचे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। ईडी के डायरेक्टर एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, केंद्र सरकार ने चौथी बार कार्यकाल बढ़ाने की अपील की है। रांची में सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या के बाद आगजनी, लोगों ने एसपी की गाड़ी पर किया पथराव। सुभाष मुंडा की हत्या के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, लोगों ने सड़क पर उतरकर हथियारों की गिरफ्तारी की मांग की। रांची के दलादली इलाके में सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर की हत्या। अपने कार्यालय में बैठे थे सुभाष मुंडा, तभी बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। मामले में विशेष जांच दल का किया गया गठन, सभी एंगल से की जा रही है मामले की जांच, एसएसपी रांची किशोर कौशल ने दी जानकारी। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वर नाथ आलोक का बयान, इलाके में माहौल अभी शांतिपूर्ण है, अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार के कटिहार में गोलीकांड में अब तक 2 लोगों की मौत, बिजली के लिए प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हुई थी झड़प। बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे स्थानीय लोग, प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हो गई झड़प। कटिहार डीएम रवि प्रकाश का बयान, इलाके की फिलहाल स्थिति सामान्य, पुलिस बल मौके पर मौजूद है, मामले की जांच की जाएगी। कटिहार में पुलिस के एक्शन पर बरसे गिरिराज सिंह, कहा नीतीश राज में बिहार सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कटिहार लाठीचार्ज की हो हाई लेवल जांच, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी की मांग। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है, बीजेपी मुख्यालय से आज दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी पसमानदा स्नेह यात्रा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में होगी पसमानदा स्नेह यात्रा की शुरुआत, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी करेंगे अगुवाई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लंदन में भारतीय धरोहरों को वापस लाने का किया दावा, कहा कोहिनूर लेकर लौटेंगे हिंदुस्तान। बाबा बागेश्वर ने भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा, पहले अंग्रेजों के लेक्चर हम सुनते थे, आज वो सुन रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक से करीब 30 साल के बाद निकला मुहर्रम का जुलूस, प्रशासन ने जुलूस को दी इजाजत। मुहर्रम के जुलूस को लेकर श्रीनगर प्रशासन अलर्ट, जुलूस के लिए 2 घंटे की दी गई है अनुमति। जुलूस में शामिल होने के लिए कश्मीर के कोने कोने से पहुंचे लोग, लोगों ने कहा शांति के साथ जुलूस निकाला जाए। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश का कहर जारी, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में आज भी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश की आशंका जताई है, लोगों से समंदर से दूर रहने के लिए कहा गया। नागपुर में बारिश बनी आफत, पिछले 24 घंटे में 121 मिलीमीटर बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, रिहायशी इलाकों में घुस गया है पानी। कलमना इलाके में एक शख्स नाले के पुल पर फंसा, गाड़ी छोड़कर भागने पर हुआ मजबूर, गाड़ी बही। नागपुर के नरेंद्र नगर में नाले में पानी बढ़ने से पुलिया आधी डूब गई, प्रशासन ने पुलिया पर आवाजाही रोक दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने की बैठक, राज्य में बारिश, बाढ़, सूखे की स्थिति पर की समीक्षा। तेलंगाना में लगातार बारिश से हालात बिगड़े, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। भद्रादी कोटा गुडेम में एक महिला तेज बहाव में बही, फिलहाल महिला लापता है। तेलंगाना के मुलुगु में अचानक आई बाढ़ की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ जलभराव। तेलंगाना के मुलुगु में मत्याला धारा झरने के पास फंसे 40 से ज्यादा पर्यटक, एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुटी। जम्मू कश्मीर में भी बारिश का कहर जारी रहेगा, बारामूला श्रीनगर समेत कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश, बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में भरा पानी। हिमाचल में अगले 3 दिनों तक बारिश का अनुमान है, राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। प्रदेश भूस्खलन और बादल फटने की संभावना की वजह से चपेट में है, कई इलाकों में छाई रहेगी धुंध। बाढ़ प्रभावित सैंज घाटी के दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, का सड़क का बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त ढांचे को लेकर बोले जयराम ठाकुर, कहा सड़क का बुनियादी ढांचा केंद्र सरकार की मदद के लिए बहाल करना संभव। दिल्ली में फिर खतरे के निशान से ऊपर पहुंची यमुना, बुधवार को 205.47 मीटर दर्ज किया गया वाटर लेवल। सीएम योगी ने मथुरा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, अधिकारियों को दिए राहत और बचाव के निर्देश। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से नोएडा के इकोटेक 3 का इलाका पानी में डूबा, पानी में डूबी नजर आई सैकड़ों गाड़ियां। यूपी के कानपुर में गंगा नदी उफान पर, आसपास रहने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। ग्रेटर नोएडा में हिंडन के जलस्तर बढ़ने से आई आफत, खेतों में पानी भरने से
फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हरियाणा में प्राकृतिक आपदा का कहर, प्राकृतिक आपदा से 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। पंजाब के 19 जिलों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है, अब तक 41 लोगों की मौत हो गई है। राहत कैंप में 1600 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। राजस्थान के श्री डूंगरगढ़ में तेज बारिश के बाद उप जिला अस्पताल में पानी भरा, भर्ती मरीजों को घर ले गए परिजन। उडुपी गर्ल्स कॉलेज टॉयलेट रिकॉर्डिंग के मामले में 2 केस दर्ज हुए हैं, पुलिस बोली अब तक कोई सबूत नहीं मिला। उडुपी मामले की जांच के लिए पहुंची एनसीडब्ल्यू सदस्य खुशबू सुंदर, मामले को लेकर आरोपी लड़कियों से पूछताछ। उडुपी के मामले में जांच पर बोली खुशबू सुंदर, आरोपी छात्राओं समेत दूसरे छात्रों से मुलाकात होगी, पुलिस के साथ भी बैठक करेंगे। मेरठ में मणिपुर जैसी बर्बरता, नाबालिग लड़की से गैंगरेप कर निर्वस्त्र कर पीटा, 3 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस ने की गैंगस्टर मनीष सिंह की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। गैंगस्टर एक्ट के तहत मनीष सिंह पर की गई कार्रवाई, गैंगस्टर पर 28 मुकदमे दर्ज, लखनऊ डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत ने दी जानकारी। घर में मिली महिला और उसके बेटे की एक लाश, पटियाला के उधम सिंह नगर इलाके का ये मामला है। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक की टीम, सभी एंगल से की जा रही है मामले की जांच, एसपी सिटी सरफराज आलम का बयान। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ का एक्शन, 1 करोड़ से ज्यादा की अगरवुड जब्त की गई। छत्तीसगढ़ के पोटा केबिन दुष्कर्म केस में एक्शन, अधीक्षक निलंबित किया गया, सीएम बोले पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। दिल्ली में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह से मिले हरियाणा के पहलवान, ब्रिजभूषण ने कहा मेरा किसी बच्चे से कोई बैर नहीं, मैंने कभी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहा। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को सिख विरोधी दंगे के मामले में समन, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 5 अगस्त को पेशी। छगन भुजबल की मनी लॉन्ड्रिंग केस वापस लेने की याचिका पर 9 अगस्त को होगी अगली सुनवाई, रिपोर्ट देने के लिए ईडी ने वक्त मांगा। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की रिमांड बढ़ाई गई, 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। लॉरेंस बिश्नोई का खास गैंगस्टर विक्रम बराड़ यूएई से गिरफ्तार, भारत लाया गया। केरल के मलप्पुरम पहुंची कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आर्य विद्याशाला में आयोजित कथकली कार्यक्रम में हुए शामिल। आगरा की मेट्रो के हाई स्पीड ट्रायल की शुरुआत हुई, सीएम योगी ने कहा आगरा के लोगों को फरवरी 2024 तक मेट्रो की सुविधा मिल जाएगी। दिल्ली मेरठ के बीच रैपिड रेल की सुविधा भी की जा रही है विकसित, 40 मिनट में तय होगी दिल्ली मेरठ की दूरी, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। मथुरा पहुंचे सीएम योगी, बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। देर रात दिल्ली की सड़कों पर निकले उपराज्यपाल वीके सक्सेना, 11 मूर्ति और 3 मूर्ति का किया दौरा। वीके सक्सेना के साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और एनडीएमसी के अधिकारी मौजूद थे, तीनों ने अकबर रोड का भी दौरा किया। ओडिशा के कालाहांडी जिले के कुंदुल गुड़ा गांव के शिक्षक को मिली सफलता, शिक्षक के उगाए मिजायकी नाम के आम की विशेष किस्म। अनोखे स्वाद की वजह से बहुत मशहूर है मियाज़ाकी आम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 2.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति किलो है। अफ्रीकी देश नाइजर में तख्ता पलट, सैनिकों के एक गुट ने राष्ट्रपति बजोम को सरकार को उखाड़ फेंकने का किया दावा। विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति बजाओम को उनके महल में कैद करने का दावा किया, सभी संस्थानों को भंग करने का ऐलान किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में गगनचुंबी क्रेन में लगी आग, क्रेन का ऊपरी हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा। क्रेन गिरने से पास की इमारत को नुकसान पहुंचा, सड़क पर चल रहे 4 लोग जख्मी हो गए, किसी के मारे जाने की खबर नहीं। टर्की में जंगल की आग का कहर, इस्तांबुल के पास जंगल में भड़की आग। हेलीकॉप्टर और प्लेन की मदद से जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, करीब 10 हेक्टेयर का इलाका आग की जद में है। जंगल की आग का इस्तांबुल के तापमान पर पड़ा असर, करीब 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। अमेरिका की यूक्रेन को 400 मिलियन डॉलर की मदद, यूक्रेन को अतिरिक्त मिलिट्री सहायता भेजी गई। सीरिया में अमेरिकी ड्रोन बना रूसी वायुसेना का निशाना, लड़ाकू विमान ने की फायरिंग। पीएम मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रिलीज करेंगे 17,000 करोड़ रुपए, 8.5 करोड़ किसानों को मिलेगी 14वीं किस्त। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज खुलेगा आरवीएनएल का ओपन फॉर सेल, खुदरा निवेशक शुक्रवार को बोली जगा सकेंगे। गैर बासमती सफेद चावल की कमी से पूरे अमेरिका के स्टोर प्रभावित हैं, खरीदने की लिमिट तय कर दी गई है। भारत वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज बारबाडोस के कैंस्टिंग ओवल मैदान में, दोनों टीमें होंगी आमने सामने। भारत और वेस्टइंडीज के बीच शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला, ईशान की जगह संजू सैमसन को मिल सकता है मौका। आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की, यशस्वी जायसवाल को 11 पायदान का फायदा, आईसीसी रैंकिंग में 63वें नंबर पर पहुंचे। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को 1 स्थान का फायदा, 9वें पायदान पर पहुंचे। विराट कोहली ने 22 रेटिंग की छलांग लगाई, आईसीसी रेटिंग में 14वें स्थान पर काबिज। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन टॉप पर बरकरार हैं, ऑस्ट्रेलिया के लाबुशेन दूसरे नंबर पर हैं। अश्विन गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप पर बरकरार मोहम्मद सिराज, जो 6 स्थान की छलांग लगाकर 33वें स्थान पर पहुंचे। वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 1 दिन पहले हो सकता है मुकाबला, अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को होना था मैच, नवरात्रि की वजह से रीशेड्यूल हो सकता है।
बीसीसीआई सचिव जय शाह ने आज वर्ल्ड कप वेन्यू के स्टेट एसोसिएशन के इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मैच की नई तारीख या वेन्यू बदलने पर हो सकता है फैसला। बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप के लिए बनाई 2 सब कमेटी, 1 वेन्यू की देखरेख करेगी, दूसरी सब्सिडी देने का काम करेगी। एशियन गेम्स में हरमनप्रीत की जगह स्मृति मंधाना करेंगी कप्तानी, हरमन पर 2 मैच का लगा है बैन। कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान ने श्रीलंका पर बनाई 397 रनों की बढ़त, अब्दुल्ला शफीक ने जड़ा दोहरा शतक। कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान के बल्लेबाज सरफराज अहमद के सिर पर लगी बॉल, मोहम्मद रिजवान बने सब्स्टिट्यूट। इंग्लैंड के बॉलर जेम्स एंडरसन ने रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का अभी कोई इरादा नहीं। एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगी भारत की मेंस और वुमेन्स फुटबॉल टीमें, खेल मंत्री ने ट्वीट करके दी जानकारी। मलेशिया के गेंदबाज सयाजुरुल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20 में 7 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। इंग्लैंड के खिलाफ वुमेन्स भारतीय हॉकी टीम का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ, आज स्पेन से होगी टक्कर। भारतीय मेंस हॉकी टीम स्पेन से 2-1 के मुकाबले से हारी, नीदरलैंड की टीम से होगी अगली भिड़ंत। भारतीय शटलर पीवी सिंधु का खराब फॉर्म जारी, पहले राउंड में हारकर जापान ओपन से हुई बाहर। विमेंस फीफा वर्ल्ड कप में जापान ने कोस्टारिका को हराया, लगातार जीत दर्ज करने वाली पहली टीम बनी। कियारा आडवाणी का दिखा इंडियन बार्बी डॉल लुक, फैशन शो के रैंप पर पिंक ड्रेस में छाई। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ, परिवार और देश के लिए पाकिस्तान में फिर गदर मचाते दिखे तारा सिंह। गदर की तरह गदर 2 में भी पाकिस्तान विरोधी डायलॉग की भरमार, इस बार बेटे चरणजीत के लिए तारा सिंह पहुंचे पाकिस्तान। गदर 2 के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर दिखा सनी और अमीषा पटेल का अनोखा अंदाज, दोनों अपने किरदार के गेटअप में पहुंचे। ट्रेलर लॉन्च में उत्कर्ष शर्मा और मनीष वाधवा सहित पूरी स्टार कास्ट शामिल, तारा सिंह का ट्रक और ढोल नगाड़े वाले भी आए। संजय गांधी नेशनल पार्क में हिरणों का वीडियो हुआ वायरल, पार्क के अंदर पक्की सड़क पार करते दिखे दर्जनों चित्तीदार हिरण। सोशल मीडिया पर छाया गजराज की समझदारी का वीडियो, फेंसिंग को पार करने से पहले हाथी ने चेक किया करंट। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते दिखे बाइक सवार 3 लोग, फिल्म 3 इडियट्स का सीन कर रहे थे रिक्रिएट, दिल्ली पुलिस ने दी चेतावनी। बच्चों ने देसी जुगाड़ लगाकर देखा खुद का मैच, टीवी पर आने का शौक पूरा किया, क्रिकेट प्रेमियों को पसंद आ रहा है वीडियो। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए आलिया भट्ट और रणवीर सिंह, युवा फैंस के टी शर्ट पर दस्तखत किए। महिला ने पानी के अंदर किया बारबी गाने पर डांस, लोगों को काफी पसंद आ रहा है डांस। इंडिगो फ्लाइट में करगिल के हीरो को सम्मानित करने का वीडियो हुआ वायरल, सम्मान देख लोग बोले ये गर्व की बात है। सफाई कर्मी के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा है धूम, लोगों ने शख्स की जमकर तारीफ की।